Hi all, this is Anjali and welcome to day 5 for the 30 day pledge. So yes, we have taken a pledge ki hum 30 days mein pura syllabus revise karenge for IP as well as computer science class 12th CBSE board. Although exams postpone hone ke pure chances hain, but still we will be prepared by the end of December before Christmas taki exam kabhi bhi ho jaye aap prepared ho. I hope पहले चार दिन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी जा रही होगी. You were asking for the questions. So questions will be given on the community tab. आप वहां से देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? And you can ask the doubts under that post itself. उसमें से जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप वहीं पे पोस्ट कर भी सकते हो. और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका आंसर चेक करके बताऊं ठीक है या नहीं, तो भी आप वहीं कमेंट्स में आंसर लिख सकते हो, ठीक है? So that is what you can do. And आज हम करेंगे टेक्स्ट और डेट फंक्शंस. पिछली क्लास में दैट इज डे 4 में मैंने आपको बताया था न्यूमेरिक फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, ठीक है? फंक्शंस मैं सारे पहले भी करा चुकी हूँ, वो सब आपकी 12th आईपी की प्लेलिस्ट में है, ठीक है? सीएस वाले सीएस की प्लेलिस्ट में है, डेटाबेस के जो भी क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पर अभी रिवाइज कर रहे हैं, फाइन? सो आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, नॉट एवरी फंक्शन इन डिटेल बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. सो जब हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं तो स्ट्रिंग में आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन सब एसटीआर या मिड, और सब लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी उसी में होती है. सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सिलेक्ट, यहां पर या तो मिड लिखा हो या सब एसटीआर, केस सेंसिटिव नहीं है तो स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहां पर लिखा है कोई भी स्ट्रिंग, लेट्स से कंप्यूटर, और फिर यहां पर आपके पास दो नंबर्स मेंशन है, ठीक है? आपको पूछा जाता है कि इसका आउटपुट बताओ. दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 1 mark इन योर एग्जाम, ठीक है? क्या लिखा है? सिलेक्ट मिड कंप्यूटर कॉमा 3, 4. इट कुड बी कंप्यूटर और एनी अदर वर्ड, राइट? अब जो भी वर्ड है, पहली चीज एक स्ट्रिंग होती है, दूसरा जो ये नंबर है इसे कहते हैं स्टार्ट, और ये जो तीसरी चीज है दिस इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो ये क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में से थर्ड पोजीशन से आपको शुरू करना है. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन 3 एंड यू हैव टू फेच हाउ मेनी 4 कैरेक्टर्स, ठीक है? सो यहां पर पोजीशन कैसे होगी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. सो आंसर आएगा एम पी यू टी. Okay, your answer is going to be M P U T. I get it like this. Starting from position 3, 4 characters. आप लोगों को confusion कहाँ हो जाती है, क्योंकि Python में भी strings होते हैं, और जब हम Python में code करते हैं तो हम बार बार ये कहते हैं कि first letter is at position 0, ठीक है? So please ये चीज ध्यान में रखो. पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो जावा हो, आगे जाकर आप कभी सी सी प्लस प्लस कुछ भी करोगे, सो वहां पर पोजीशंस 0 से शुरू होती है. लेकिन एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है और यहाँ पे स्ट्रिंग में पोजीशन 0 से शुरू नहीं होती, यहाँ पे 1 से शुरू होती है. सो योर फर्स्ट कैरेक्टर इज एट पोजिशन 1, नॉट एट 0, ठीक है? सो आपको 1 से शुरू करना है, 2, 3, तो 4 मेरा कहां पर होगा, इसके आगे. सो 3 से उठाना शुरू करना था, 3 से लेके 4 कैरेक्टर्स पिक किए, सो यू विल बी गेटिंग एम पी यू टी, ठीक है? मिड का भी सेम पर्पस है, जो भी स्टार्टिंग पोजीशन दी है वहां से गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको उठाने हैं, ठीक है? सो मान लो आपके पास कमांड लिखी हुई है सिलेक्ट मिड एंड आई राइट वेलकम, और मैंने यहां पर लिख दिया 2, 3. इसका आउटपुट लिख के दिखाओ मुझे कमेंट में. सो राइट द आउटपुट ऑफ दिस इन कमेंट्स. सिलेक्ट वेलकम 2, 3. व्हाट विल बी प्रिंटेड, फटाफट कमेंट्स में लिखो. बहुत इजी है. स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 2, 3 कैरेक्टर्स उठाने आपको, ठीक है? बस इतना याद रखोगे कि 1 से शुरू हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसका आंसर आएगा ई एल सी, ठीक है? अगर मैं यहां पे चेंज कर देती हूं, नाउ यहां पे मैं 2, 3 की जगह दे देती हूं 4, 2, अब क्या होगा आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट इफ आई राइट 4, 2? इट विल बी
लिख दिया कमेंट्स में, इट विल बी सीओ. फर्स्ट कैरेक्टर है डब्ल्यू, सेकेंड है ई, थर्ड है एल, फोर्थ है सी. सो सी से लेके दो कैरेक्टर सीओ. ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया, ये तो सिंपल है, आपको समझ आ गया. ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि सेकेंड पोजिशन मेंशन ही नहीं होती, सिर्फ स्टार्टिंग पोजिशन मेंशन है. ठीक है, क्या लिखा है, वेलकम कॉमा फोर. कितने कैरेक्टर्स फेच करने हैं वो मेंशन है ही नहीं. सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव टू फेच, वो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ. ओके, तो क्या होगा, जहां से स्टार्ट करना है वहां से लेके स्ट्रिंग के एंड तक सारा फेच हो जाएगा. सो आई स्टार्ट फ्रॉम सी बट आई विल फेच वट एवर आई हैव टिल द एंड. सो एंड तक जो भी कुछ है वो सबका सब फेच हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा COME. ठीक है, सो दैट्स हाउ योर मिड और सब STR works. आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा. आपके प्रैक्टिस करो इसकी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, बाकी इसके अलावा लेफ्ट और राइट होते हैं. लेफ्ट का नाम से ही पता चल रहा है कि लेफ्ट इज यूज टू फेच द कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग एंड राइट इज यूज टू फेच द कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग. जैसे कि मैं अगर यहां पे क्वेरी लिखती हूं सिलेक्ट लेफ्ट और मैंने यहां पे लिखा अंजलि कॉमा टू. ठीक है, इफ आई राइट लेफ्ट अंजलि कॉमा टू द आंसर विल बी AN, लेफ्ट साइड से दो लेटर्स. ठीक है, अगर आप लिखते हो राइट, इफ यू राइट अंजलि कॉमा टू सो इट विल फेच कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड सो इट विल बी LI, राइट साइड से दो लेटर्स. जरूरी नहीं है कि दो ही लेटर्स देखने हैं, आपको चार भी देखने हो सकते हैं, पांच भी देखने हो सकते हैं. अगर यहां पर फोर लिखा है तो आपका आउटपुट आएगा JALI. That is right side से four letters. ठीक है, so we have to specify कि कितने letters आप pick करना चाहते हो. So अगर सिर्फ left most उठाने हो तो left function use करो, सिर्फ right most उठाने हो तो right use करो, और अगर बीच में से pick करने हो तो हम mid या sub str use कर सकते हैं. ठीक है, अब strings के ऊपर काम करने वाला एक और important function है in str. इन str होता है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में ढूंढने के लिए. आपको एक स्ट्रिंग को सर्च करवाना है कि वो दूसरी स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है. अगर है तो वो आपको उसकी पोजीशन देगा, अगर नहीं है तो ये आपको जीरो देगा. सो वी आर गोइंग टू चेक वेदर सेकेंड स्ट्रिंग इज फाउंड इन द फर्स्ट स्ट्रिंग और नॉट. सो आपने लिखा सिलेक्ट इन str कंप्यूटर कॉमा ओम. अब वो सर्च करेगा कि ओ एम कंप्यूटर में कहीं पे है या नहीं. यस है, यहां पर है. शुरू कौन सी पोजिशन से होता है, टू से. तो इसका आंसर क्या आएगा, टू. इट गिव्स यू दी स्टार्टिंग पोजिशन. और अगर मान लो वो एक से ज्यादा बार आता है तो भी जहां पहली बार आता है जो फर्स्ट अकरेंस है सिर्फ वो आपको मिलती है. सो फर्स्ट अकरेंस क्या है हमारी, यहां पे टू पे. सो वी गेट ओ एम कहां पर है, पोजिशन टू पे. ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैंने यहां लिखा है सिलेक्ट इन str प्रोग्रामिंग और मैंने सर्च किया आर को, क्या आएगा, प्रोग्रामिंग सर्च किया आर को, यू विल बी गेटिंग, कमेंट्स में लिखो फटाफट और उसके बाद मैच करो, यू विल बी गेटिंग टू. दो बार आता है प्रोग्रामिंग लेकिन पहली बार कहां पे आता है, पोजिशन टू पे. सो इट विल गिव यू टू. अगर आप यहां पे सर्च कर रहे होते टी को, डू यू हैव टी इन प्रोग्रामिंग, है हमारे पास, है टी हमारे पास प्रोग्रामिंग में, नहीं है. नहीं है तो क्या आएगा, जीरो. सो अगर आप किसी ऐसी वैल्यू को सर्च कर रहे हो जो कि आपकी स्ट्रिंग में है ही नहीं, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो स्ट्रिंग में नहीं है, ये आपको जीरो देगा. वी विल बी गेटिंग अ जीरो फॉर दैट.
अंडरस्टूड? आया समझ? ठीक है, सो दैट इज योर सिलेक्ट इन एसटीआर. वन थिंग क्लियर है? चलो गुड एनफ. ये तो हो गया आपका इन एसटीआर. इसके अलावा आपके पास अपर है, लोअर है, जिससे कैपिटल स्मॉल कर सकते हो. ठीक है, सम बेसिक फंक्शंस आर देयर. लेंथ है, जिससे आप लेंथ देख सकते हो. वी हैव कनकैट, जिसकी हेल्प से आप दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हो. देन यू हैव ट्रिम टू रिमूव द स्पेसेस. सो ट्रिम की हेल्प से हम जो बिगिनिंग में और एंड में स्पेसेस हैं वो हटा सकते हैं, बीच के स्पेसेस रिमूव नहीं होते हैं. एल ट्रिम रिमूव्स ओनली द लेफ्ट हैंड साइड स्पेसेस. आर ट्रिम रिमूव्स ओनली द राइट हैंड साइड स्पेसेस. सो ये आपको पूरी डिटेल वीडियोस में मिल जाएगा, आप एक बार वो भी जाके देख सकते हो, सो दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. सो ये तो स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे. इसके बाद डेट के फंक्शंस. डेट के फंक्शंस में अगर आपको देखना है आज क्या डेट है, ठीक है, सिर्फ डेट देखनी है आपको, सिर्फ डेट. अगर सिर्फ डेट देखनी है तो आप लिखोगे सिलेक्ट CURDATE, बस इतना. ठीक है, सिलेक्ट CURDATE, राउंड ब्रैकेट विल शो यू द करंट डेट. दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप लिख सकते हो करंट अंडरस्कोर डेट, पूरा भी लिख सकते हैं. सो दिस विल ऑल्सो शो यू करंट डेट. इफ यू वॉन्ट टू गेट करंट डेट एंड टाइम बोथ, सो यू राइट सिस डेट, या फिर हम लिख सकते हैं सिलेक्ट नाउ. सो अगर आप सिस डेट या नाउ लिखते हो तो करंट डेट एंड टाइम दोनों आता है. वेर एज करंट डेट या CUR डेट आपको सिर्फ डेट दिखाएगा, टाइम नहीं दिखाएगा. ठीक है, अब इसके ऊपर ऑपरेशंस क्या है, इस पे काफी हद तक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार जो रिपीट होता है, वो है डे ऑफ ईयर. ठीक है, या डे ऑफ वीक. सो डे ऑफ ईयर क्वेश्चन बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, अगर आप निकाल के देखोगे. सो डे ऑफ ईयर का मतलब क्या है कि आपको लिख के दिया होता है सिलेक्ट डे ऑफ ईयर. ठीक है, और फिर कोई डेट हमें दी होती है यहां पे, जैसे 2020 मंथ है 02 और डेट है 15. सो ये डेट किस फॉर्मेट में दी हुई है, पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डे है. ठीक है, अब आपसे पूछा है कि डे ऑफ ईयर बताओ. सो डे ऑफ ईयर कैसे निकालेंगे, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, है ना. सो 1 से 365 आपके पास डेज हैं. अब ये है 2nd of 15th of Feb. सो 31 डेज आपके जनवरी के निकल गए, 14 दिन आपके फेब के निकल गए. सो 45 डेज निकल चुके हैं. नाउ इट इज योर 46th डे. सो आंसर क्या आना चाहिए, 46. सो आउट ऑफ 1 to 365 जो डे ऑफ ईयर है ये कौन सा है, 46. तो आपको जनरली या तो जैन की ही डेट दी होती है, जैन की डेट है फिर तो बिल्कुल ही सिंपल है कि जो डेट है वही आंसर हो जाएगा. अगर फेब की है तो उसमें 31 ऐड करोगे. ठीक है, मार्च अप्रैल तक जाते नहीं है, पर अगर जाएंगे तो आपको फिर देखना भी पड़ेगा कि फेब के 28 डेज ऐड करने हैं या 29 डेज ऐड करने हैं. सो इतना ज्यादा लंबा नहीं जाता है. सो इट वुड बी ईदर जनवरी और फेब. बट डेट ऑफ ईयर का मतलब, डे ऑफ ईयर का मतलब है यू हैव टू गिव अ नंबर फ्रॉम 1 to 365. ठीक है, ऐसे ही डे ऑफ वीक भी पूछ सकते हैं. डे ऑफ वीक अगर आपसे पूछते हैं तो जैसे आज क्या है, आज है संडे, तो आज फर्स्ट डे है. सो अगर मैं यहां पे लिखती हूं सिलेक्ट डे ऑफ वीक और यहां ब्रैकेट में लिख देती हूं सिस डेट, सो संडे इज टेकन एज 1 इन एसक्यूएल. अगर मंडे होता तो 2 आता, अगर ट्यूसडे होता तो 3 आता. ठीक है, दैट इज डे ऑफ वीक. और अगर आपको संडे मंडे प्रिंट कराना है बाय चांस, तो आपके पास फंक्शन का नाम है डे नेम. सो यू कैन राइट सिलेक्ट डे नेम. सो अगर मैं लिखती हूं सिलेक्ट डे नेम सिस डेट, सो इट इज गोइंग टू प्रिंट संडे. अगर आप लिखती हूं सिलेक्ट मंथ नेम, ईयर का नाम नहीं होता इसलिए उसका कोई फंक्शन भी नहीं है, सिलेक्ट मंथ नेम सिस डेट, सो वो आपको प्रिंट करके देगा आपका मंथ, विच इज राइट नाउ नवंबर. ठीक है,
सो ये फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो ये आपका एक तरह से ब्रश अप हो गया. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, ठीक है. एंड डे सिक्स में हम करेंगे क्वेश्चंस जो आपके पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स, जैसे कि क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल. तो उस पे बेस्ड आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट आई विल टेल यू इन डे सिक्स. ओके, एंड डे सेवन में हम करेंगे हाउ टू जॉइन टू टेबल्स, जो कि आईपी के लिए नहीं है क्योंकि आईपी के सिलेबस में ज्वाइनिंग नहीं है इस बार, बट कंप्यूटर साइंस में है. सो वी विल बी डूइंग हाउ टू लिंक टू टेबल्स एंड वर्क क्वेरीज ऑन दैट, ठीक है, ऑन डे सेवन. और उसके बाद आपका अलग अलग हो जाएगा क्योंकि आपके टॉपिक्स अलग अलग हो जाएंगे. सो वी विल बी हैविंग सेपरेट वीडियोस फॉर आईपी, सेपरेट फॉर सीएस, फिर जब कंप्यूटर नेटवर्क्स आएगा तो वापस जाकर हम उसको मिक्स करेंगे. बट एनी हाउ अभी ये है आपका डे फाइव. सो प्रैक्टिस दिस, डू लाइक द सेशन इफ यू फाउंड इट यूजफुल, शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स, ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.